इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में कोरोना की मार देखने को मिल सकती है। कोरोना महामारी के चलते नए साल में दर्शन करने आए भक्त लोगों को दूर से ही दर्शन करने की अनुमति होगी। कोरोना महामारी के चलते यह साल लोगों के लिए ठीक नहीं रहा। 2020 में कोरोना बीमारी के चलते हजारों लोगों की मौत हो गई। इसका असर मंदिरों पर भी देखने को मिला। 2020 की विदाई और 2021 की अगुवाई के चलते गणेश भक्तों द्वारा नए साल के लिए अपने परिवार और सुख समृद्धि की कामना करने के लिए खजराना गणेश मंदिर पर दर्शन हेतु मन्नत मांगने जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है। किसी प्रकार का भी मंदिर में चोल चढ़ाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। गणेश मंदिर खजराना ये पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ पे हर साल नए साल में बहुत भीड़ होती है। ये मतलब इसका विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। अभी कोविड को देखते हुए, ये जो कोरोना है इसको देखते हुए जो गाइडलाइन बनी हुई है, हमारा ये निवेदन है भक्तों से कि सही डिस्टेंसिंग से दर्शन करें और बिना मास्क से कोई भी दर्शन नहीं करें। कम से कम लोग मतलब अपने व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें और कम से कम संख्या में आए। लेकिन इसमें नए साल है, इसमें भक्तों का बहुत उत्साह है। इसमें हमने सारी व्यवस्था कर रखी है कि हर भक्त स्टेपिंग से बाहर से दर्शन करें, 20 फीट दूरी से दर्शन करें और गाइडलाइन का पालन करें। महाराज जी, क्या अनुमान है पिछले साल की अपेक्षा इस साल किस तरह से भक्तों की आवाजाही रहेगी? पिछले साल से बहुत भीड़ कम रहेगी इस साल। कारण क्या है कि बीमारी बहुत खतरनाक है, पूरे विश्व को इस दुनिया भीड़ इतने बीमारी ने हिला दिया। इसलिए हम भी भगवान के सामने ही प्रार्थना करते हैं बीमारी दूर हो जाए और सभी भक्तों को आशीर्वाद मिले और कम से कम लोग भगवान के दर्शन करें। जैसा कि देखा जा रहा है अभी कोरोना का दौर चल रहा है, उसमें मंदिर परिसर द्वारा या मंदिर की जो सोसाइटी उसके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पे एक तो स्टेपिंग तैयार की है भक्तों के दर्शन के लिए और जो रेलिंग लगाई है, रेलिंग में भी हर आदमी लाइन से आएगा और डिस्टेंसिंग रख के आएगा और विद्युत सज्जा हो गई है यहाँ पे और पुलिस फोर्स लगा हुआ है और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है ये भी इसमें सेवा में लगे हुए हैं और गांव के जितने भी अपने जो अपने गांव के जो निवासी लोग हैं रहवासी ये भी व्यवस्था देते हैं दरबार में और इनकी व्यवस्था रहती है और हर भक्तों को सही ढंग से दर्शन हो इसकी व्यवस्था कर रखी है। महाराज जी, अगर देखा जाए तो कई सारे मंदिरों में ऑनलाइन प्रक्रिया चलती है, ऑनलाइन दर्शन होते हैं, क्या इस बार खजराना गणेश मंदिर में भी ऑनलाइन? इसी अभी इसमें मार्च से अभी तक ऑनलाइन बहुत दर्शन किए लोगों ने, हमको मोबाइल पे नंबर दिया लोगों को, भक्तों को वहाँ से ऑनलाइन सबने दर्शन करे। अभी भी कोई कोई भक्त लोग घर से दर्शन करते भीड़ में नहीं आते और जो अपना ये बना हुआ है मोबाइल पे एक साइड है उस साइड पे भी भगवान के ऑनलाइन दर्शन होते हैं। महाराज जी, लगातार बात चल रही है ये खजराना गणेश मंदिर का नाम चेंज करने के लिए, पूरे परिसर का गणेश नगर करने के लिए, आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? अब इसमें इस विषय पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, कारण जो पुराना है भगवान जी का नाम गणेश जी खजराने का, इस बार में जो खजराना है ये गांव का नाम है हमारा। अभी इसमें अब कोई इच्छा है कुछ ऐसा नाम बदलने की तो इसमें हम अपन तो कुछ नहीं बोल सकते। आपका नाम पुजारी सतपाल भट्ट गणेश मंदिर खजराना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।